सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करो जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ता कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आज का पंचांग 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 10:15 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:32 से 2:12 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सके। जरूरतमंद चाहे बच्चे हो या बूढ़े, उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से आप सही रास्ते पर चल पाएंगे। आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो आप सब संभाल लेंगे। घरेलू मामले आज आपके दिमाग में भी चल रहे हैं। किसी रिश्तेदार शायद आपके माता पिता को आपके समय और ध्यान की जरूरत है। वर्तमान में कुछ योजनाओं को टालने की आवश्यकता है। खाली समय की गतिविधियों से राहत पाएंगे। कई लोग आपकी कंपनी की सराहना करेंगे। आज धन आपकी प्राथमिक चिंता का विषय होगा। आज खुशियों की तलाश में है। परोपकार, सामाजिक कार्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करना आज आपको सुकून देगा। कार्यस्थल में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अच्छी योजना अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है, इसलिए अच्छी योजनाएं बनाकर आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। बच्चे आपके शाम को खुशी की चमक लाएंगे। थकाव और उबाव दिन को अलविदा कहने के लिए बढ़िया डिनर की योजना बने। उनका साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर देगा। दीर्घकालीन निवेश से बच्चे और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की जरूरत है। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी खुशियां पाएंगी। काम काज में आ रहे बदलाव के कारण आपको कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता भी कर सकता है। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला है। आज के दिन आपको कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेगा। आप अपनी कार्य कुशलता तथा काबिलियत के दम पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगी। कहीं से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न भी रहेगा। काम करते समय ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ये जानकर प्रयत्न करें। कुछ बातों में जरूरत से अधिक मेहनत करने से आप खुद को थका लेंगे। लोग जब तक आपसे मदद नहीं मांगते हैं तब तक मदद करने से बचना होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को बड़े लेन देन करते समय सतर्कता रखनी होगी। परिवार के विरोध के कारण रिलेशनशिप के बारे में दोबारा विचार किया जाएगा। पैर दर्द की समस्या भी रह सकती है, ध्यान रखें। आज के दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपने यदि किसी से कुछ पुराना कर्ज लिया था तो उसे भी आप आसानी से उतार पाएंगी। कार्य क्षेत्र में आपकी कोई जिम्मेदारी भरा काम मिलने से आप परेशान रहेंगे। सरकारी नौकरी के प्रयासों में लगे लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। माता जी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगी। सावधानियां, बीते हुए नकारात्मक बातों को याद करके अपना वर्तमान खराब ना करें। जमीन जायदाद संबंधित कोई भी कार्यवाही करते समय कागजात अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। खर्चों के प्रति कंजूसी करना परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप उन्मुक्त प्रवृत्ति के आदमी हैं और समर्पण आपके स्वभाव में नहीं है, इसीलिए आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप इन सब में ना पड़े या फिर अपने पार्टनर की पजेसिवनेस के साथ आराम से रहना सीख लें।
जो अब अकेले हैं वे शांत और गंभीर दिख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने प्यार की यादें परेशान कर सकती है। आगे बढ़ना ही एकमात्र समाधान है। इस समय आपका दिल आपके बस में नहीं है और आप लगातार किसी स्पेशल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी आपको इच्छा शांति से अपनी भावनाओं का इजहार करने और चीजों को खास बनाने की है। बस घरेलू मामले या प्यार के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। आज आप अपने जीवन के कुछ अहम फैसले ले सकती हैं। यह समय कुछ मुश्किल है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारे। जीवन का यह दौर भी गुजर जाएगा, क्योंकि आपका हमेशा साथ देने वाला पार्टनर आपके पास है। आप दोनों अपने जीवन को संवारने में पूरी तरह से सक्षम हैं। नए संबंध बनने का भी योग है। घर में भी अच्छा माहौल रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आप अपने समकक्षों के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं और आज आपकी यात्रा एक संतोषजनक स्थिति पर समाप्त होगी। आप उस पुरस्कार राशि के लाभार्थी हो सकते हैं जो इस साझेदारी का नतीजा है। आपका एक करीबी सहयोगी आपको अपना समर्थन देने के लिए विशेष शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कर आपको सम्मानित भी कर सकता है। आपका करियर भावनात्मक गहराई और भेद वाले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अच्छे वाले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ खुलकर और ईमानदार रहने का आदर्श समय है। निर्णय के डर के बिना अपने विचार और भावनाएं साझा करें। अत्यधिक आलोचनात्मक होने के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सार्थक बातचीत में शामिल होने से पेशेवर रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और नए अवसर खुल सकते हैं। अपनी टीम के साथ अत्यधिक स्तर पर जुड़ने के लिए इस अवधि का आनंद उठाएं। आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता चमकेगी, जिससे आप अपनी कार्यस्थल पर एक मूल्यवान और भरोसेमंद सदस्य बन जाएंगे। सकारात्मक रहें और अपनी प्रामाणिकता को अपना मार्गदर्शन करने दें। व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ असमंजस की स्थिति भी रह सकती है। कोई भी कार्य करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि स्वयं द्वारा लिए गए निर्णय कुछ गलत हो सकते हैं। युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई से संबंधित ही नौकरी मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधित छोटी छोटी परेशान हो रहे हैं। आज ये समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप से प्रस्तुत होगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी बड़ी समस्या का शुरुआती लक्षण हो, इसलिए इसे बढ़ने का मौका ना दें। अपने स्वास्थ्य, फिटनेस तथा खाने संबंधित मामलों का विशेष ध्यान भी रखें। आज का उपाय। आज आप गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।